करीब 1500 साल पुराने हिंदुओं के प्राचीन तीर्थ गलताजी पीठ का विवाद अब बढ़ चुका है। दो संप्रदायों के बड़े संत आमने सामने आ गए हैं। विवाद इतना उलझ गया कि कोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार ने गलताजी पीठ को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन इस विवाद के कारण प्राचीन काल की पीठ गलताजी की स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गलताजी पीठ ने अब ना तो समय से भगवान की पूजा हो रही है और ना ही समय से प्रभु को भोग लग रहा है। मंदिर के पुजारियों को पिछले 4 महीने से सैलरी तक नहीं मिल रही है, जिसके कारण पुजारियों की आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो चुकी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है चमत्कारी मंदिर गलतागेट पीठ में, गलतागेट मंदिर में, जहाँ पर आप देखेंगे कि जो भक्त हैं वो दूर दूर से यहाँ पर जो है वो आते हैं और कहते हैं कि मान्यता ये है कि इस मंदिर में आने से, सच्चे भाव से आने से सभी की जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। किसी को कोई व्यापार में घाटा है वो पूरा हो जाता है, किसी की शादी नहीं होती तो वो पूरा हो जाता है, और कई सारे जो मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। गलताकुंड में स्नान करने से पाप जो है वो धुल जाते हैं। पुरातन लोहागढ़ की तपोभूमि गलता धाम का धार्मिक महत्व तो सदियों से है, लेकिन आज भी लोग इसके रहस्यों से वाकिफ नहीं है। ये वो तपोभूमि है जहां सदियों से अखंड जलती ज्योति अपने ज्योत से इस धाम को पवित्र कर रही है। राम और कृष्ण के एक रूप के दर्शन भी तुलसीदास जी ने यही किए थे, और दुनिया को धर्म दिखाने वाले तुलसीदास को मानवता का असली ज्ञान भी यही हुआ था। लेकिन इन दिनों प्राचीन काल के गलता धाम पर भारी विवाद गरमाया हुआ है। विवाद इतना बढ़ गया है कि गलता पीठ को संतों से छीनकर राजस्थान सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। गलता गेट मंदिर का जो विवाद है, आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर इतना विवाद चला है कि अब सरकार ने जो है अपने अधीन ले लिया है, और जो तमाम जो कार्यालय है, जो यहाँ के ट्रस्ट के लोग जो यहाँ बैठते थे, उन सभी को यहाँ पर जो है वो सीज कर दिया है। फिलहाल इस जो मंदिर का अधिग्रहण है, इस मंदिर को सेवा पूजा कर रहे हैं, यूँ कहें कि इस मंदिर को चला रहे हैं, वो अभी सरकार जो है, राज्य सरकार जो है वो चला रही है, यानी कि कलेक्ट्रेट की जो टीम है वो यहाँ पर चला रही है। और जो पहले के जो ट्रस्ट है या महंत जी पुजारी है, उनका ऐसा कहना है कि जो मंदिर है अब वो सही समय से नहीं चल पा रहा है, समय से पूजा पाठ नहीं हो पा रही है, या फिर यूं कहे कि समय से भगवान को भोग नहीं लग पा रहा है, पुजारियों की सैलरी नहीं दी जा रही। तो बिल्कुल दो संतों के गुट के बीच में जो मंदिर है, जो श्रद्धालु है, उनका यहाँ पर भारी जो नुकसान है वो यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। गलता धाम विवाद की जड़ रामानुज और रामानंदी संप्रदाय के संतों के बीच इस पीठ पर वर्चस्व को लेकर जंग छिड़ी है। दरअसल गलता पीठ में आचार्यों की नियुक्ति की प्रणाली अपनाई जाती है। आचार्य पायो हरि पहले गादीपति बने, और यहाँ पर हर आचार्य ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते थे, और इसे रामानंदी पीठ कहा जाता था। लेकिन जब पीठ अपने 8वें आचार्य पद पर थी, तो जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई जय सिंह ने अपने अश्वमेघ आयोजन के लिए पीठ आचार्य पर शादी करने के लिए जोर दिया, ताकि नियम के मुताबिक गृहस्थ आचार्य इसे पूरा करा सकें। गलता पीठ में एक मंदिर है जिसमें राज्य ने 1943 में महंत की नियुक्ति की थी, लेकिन उस वक्त पीठ के रामोदराचार्य को अनिच्छा के बावजूद त्रिवेणी धाम के तत्कालीन गुरु भगवान दास महाराज की सिफारिश पर रामोदराचार्य को 16वां पीठाधीश्वर बना दिया, जिन्होंने घोषणा कर दी कि ये पीठ रामानुज संप्रदाय का है। बस यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई, और राज्य सरकार के कब्जे में लेने से पहले इसके 17वें आचार्य संपत कुमाराचार्य अवधेशाचार्य को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला कोर्ट कचहरी तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इसके अधिग्रहण के लिए आदेश दिया। ऐसे में अब रामानंदी संप्रदाय के जगत गुरु राम भद्राचार्य इसे फिर से अपने संप्रदाय के कब्जे में लेकर अपने ध्वज स्तंभ की स्थापना की बात कहकर इस पूरे विवाद को फिर से हवा दे दी है। आप चिंता मत करिए, गालता गादी पर भी रामानंदियों का ही विजय स्तंभ होगा, प्रतीक्षा कीजिए बस।
रामानुज संप्रदाय का ध्वज स्तंभ स्थापित है, लेकिन अब त्रिवेणी धाम पीठाधीश्वर नारायण दास महाराज और रेवासा धाम पीठाधीश्वर राघवाचार्य फिर से रामानुज की बजाय रामानंदी संप्रदाय का पीठ बताकर अभियान चला रहे हैं। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि ये पीठ रामानंद संप्रदाय और ब्रह्मचारी पीठ है, जबकि अवधेशाचार्य गृहस्थ हैं। रामानंदी संत समाज रामानुज संप्रदाय कृति स्तंभ को हटाने पर अड़ा हुआ है। रामानंदी संतों की ओर से रामानुज संतों को शास्त्रार्थ का चैलेंज भी दिया गया है, ताकि साबित हो सके कि रामानंदियों की चरण पादुका हटाकर इस पर रामानुजों ने जबरन कब्जा किया है। अब इसे रामानुज संप्रदाय के 16वें पीठाधिपति अवधेशाचार्य गलतापीठ गद्दी पर कब्जा करने का षड्यंत्र बता रहे हैं। गलता जी का विषय है, गलता जी पूर्ण रूप से विशुद्ध रूप से अनादिकाल से रामानुज संप्रदाय का स्थान है, और इसके मेरे कथन से नहीं, सैकड़ों प्रामाणिक दस्तावेज जो राजा के रिकॉर्ड में, पूरा अभिलेखागार में, न्यायालयों में, सब जगह वो दस्तावेज हैं जो इसको रामानुजी होने का प्रमाण स्थापित करते हैं। और जहाँ तक रामानंद संप्रदाय की बात है, रामानंद संप्रदाय तो कुछ लोगों के बुद्धि की उत्पत्ति है, जो विगत 40-50 वर्ष में कामयाबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और वो भी इसी तरह से संपत्तियों को हड़प करके, उन पर कब्जा करके। उसके पहले कोई रामानंद संप्रदाय नहीं था। देश में 52 पीठ हैं, जिसमें से 36 रामानंदी पीठ हैं। 18 रामानंदी पीठ तो गलता पीठ से ही निकली हैं, जबकि रामानुज संप्रदाय के संत इसे उत्तर भारत का अपना सबसे बड़ा केंद्र मान चुके हैं। ऐसे में दोनों संप्रदायों के संतों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ तो मामला अदालत तक पहुंच गया, और अदालत ने इस पीठ से अवधेशाचार्य को हटाकर इसका नियंत्रण राज्य सरकार को दे दिया। श्री गलता पीठ में ब्रह्मोत्सव का आयोजन प्रारंभ हो रहा है, और शाम को जैसे ब्रह्मोत्सव में होता है कि मृदाहरण होता है, मिट्टी को निकाला जाता है, अंकुरारोपण होता है और रक्षाबंधन इत्यादि होते हैं, तो वो होंगे। इसके अलावा फिर नित्य विभिन्न आयोजन उत्सव आदि किए जाएंगे, इसमें भगवान का अभिषेक विभिन्न द्रव्यों से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नित्य हवन होंगे, शातुमुरे होगा, शांति पाठ होगा, चरणामृत प्रसादी गोष्ठी आदि दी जाएगी, कल्याण उत्सव मनाया जाएगा जिसमें भगवान का विवाह होता है, माला पलटन की क्रिया होती है, यज्ञांत जो पूर्ण होता है उसमें यहाँ पर स्नान होता है कुंड पे, वहाँ भगवान को ले जाया जाता है, भगवान के साथ सब लोग स्नान करते हैं। इसके अतिरिक्त अंतिम दिन यहाँ पर अन्नकूट भी किया जाएगा, गोष्ठी प्रसादी जो होगी वो विभिन्न प्रकार के जो अन्न हैं उनसे व्यंजन निर्मित किए जाएंगे और यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा डोला उत्सव होगा और भगवान का अष्टोत्तर शत से अर्चना की जाएगी, तो यहाँ बहुत सारे उत्सव मनाए जाएंगे। और ब्रह्मोत्सव जो है यह सभी रामानुज संप्रदाय के स्थानों में, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी स्थान है वहाँ मनाए जाते हैं। मंदिर के देखरेख की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार के पास है। गलता पीठ के पुजारियों की शिकायत ये है कि जब से इस पीठ की देखरेख की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार के हाथ में गई है, तब से न समय पर पूजा होती है और न ही भगवान को समय पर भोग लगता है। इसके अलावा पुजारियों को समय पर वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण पुजारियों में काफी गुस्सा है। हालांकि इस लड़ाई का निष्कर्ष क्या निकलेगा ये तो समय के साथ ही पता चलेगा, लेकिन दो पक्षों के विवाद का खामियाजा गलता धाम को भुगतना पड़ रहा है।